कानोरिया कॉलेज की 1500 छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर। छात्र संघ कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कानोरिया पीजी महिला महाविद्यालय में आज मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्वायत्त सुनीता मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनीता मीणा ने बैज प्रदान किए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया और छात्र संघ की ओर से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित एक महीने के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए छात्राओं को अधिकाधिक संख्या में इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की लगभग 1500 छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। निर्भया स्क्वाड टीम के सदस्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इनके सहयोग से सुनीता मीणा ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की कई तकनीक करके सिखाई। निगरानी रखते हैं। मैं अपना शादावादी की टीम को बोलना चाहूंगी कि आपने यहाँ पर आए। ये भी निर्भया स्क्वाड की एक शादावादी में तैनात रहती है ताकि किसी को पता न लगे कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, निगरानी कर रही है। तो ये शादावादी की जो टीम है ये बसों में भी सफर करती है लगातार आपके लोक फ्लोर बस और सारी बसों में, ताकि किसी भी बच्ची को कोई टच ना कर सके, उसके साथ में गलत व्यवहार ना कर सके। हमने बचपन से देखा है कि बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा बस के अंदर छेड़छाड़ होती है, तो बसों में ये लोग लगातार सफ़र करती हैं। तो अगर कभी भी किसी के साथ में कुछ भी गलत हो रहा हो तो आप ज़रूर चिल्लाइए, आपको बस में मेरी निर्भया स्क्वाड जरूर मिलेगी। ये लगभग 50 की सादा वर्दी की टीम एट ए टाइम हमारी बसों में सफ़र करती रहती है, तो ये लगातार आप लोगों को दिखाई देगी। इसके बाद में चूँकि जब आप अंदर आ जाते हैं कॉलेज स्कूल के अंदर, तो ये लोग फ्री होती हैं, तो ये लोग पहुंच जाती हैं मॉल के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर और बस स्टॉप पर जहाँ पे कि हमारी वर्किंग वुमेंस काम करती हैं। फिर ये पहुंच जाती है जब छुट्टी का टाइम होता है तो वापस आपके कॉलेज वगैरह के बाहर, और फिर शाम को कोचिंग सेंटर्स के बाहर भी, और मेट्रो बजर है हमारे जयपुर में, तो ये रेस्टोरेंट के बाहर, यानी कि रात को 9 बजे